सो ये है फायरबोल्ट टर्मिनेटर, न्यूली लॉन्च स्मार्ट वॉच जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ साथ एक सुपर लार्ज डिस्प्ले भी देखने के लिए मिलता है। एंड इसका लॉन्चिंग प्राइस था 1999 रुपीज। आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई पैकेट देख सकते हो भाई, बहुत ही नॉर्मल पैकेजिंग जैसे फायरबोल्ट का नॉर्मली होता है। एंड इस साइड कुछ सारे फीचर्स दिया हुआ है, मेन मेन फीचर्स, SPO2 मेजर कर सकते हो, हार्ट रेट मेजर कर सकते हो, 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड है एंड IP68 है जो कि काफी अच्छा है। आप इसे पानी वानी में भिगा सकते हो, पहन के नहा भी सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग देखने के लिए मिलता है, वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट है। पीछे भी कुछ सारे फीचर्स दिया हुआ है, बट यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर डिस्प्ले का रेजोल्यूशन दिया हुआ है जो कि 240x283 पिक्सल्स का। एंड भाई प्राइस यहाँ पर देख सकते हो 18,999 रुपीज, यानी 19,000 रुपीज, 20,000 प्राइस भाई, 90% ऑफ 2,000 रुपीज पे आपको मिल रहा है। दैट इज द थिंग भाई, दैट इज द, यही चाहिए भाई, यही चाहिए। ऐसा कोई ब्रांड नहीं करता है भाई, फायरबोल्ट एक है कि ऐसा करता है। 4,000 रुपीज का नॉइस का है, कुछ दिन पहले आया था मेरे पास, प्राइस 4,000 रुपीज था, लॉन्च प्राइस 4,000 रुपीज था, 7,999 लिखा हुआ है, 8,000 रुपीज चलता है भाई, 50% ऑफ दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लॉन्च प्राइस में, प्राइस इंक्रीज हो चुका होगा तो भाई आप देख ही सकते हो। एनीवे लेट्स ओपन अप दिस पैकेट। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको वॉच देखने के लिए मिलेगा, काफी बिग डायल है इसका, देख सकते हो। ओके लेट्स टर्न इट ऑन, ओ भाई काफी बिग डिस्प्ले है। टर्न ऑन करते ही सबसे पहले आपको फायरबोल्ट का लोगो बड़े बड़े अक्षर में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो जब तक ये टर्न ऑन होता है तब तक देख लेते हैं बॉक्स में और क्या चीज देखने के लिए मिलता है। सो इसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग केबल आपको देखने के लिए मिलेगा, वन साइड है USB-A, दूसरे साइड मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है घड़ी के साथ ऐसे। इसके अलावा और कुछ सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये है एक वारंटी कार्ड, एक साल का वारंटी आता है। इसके अलावा यहाँ पर बोल्ट प्ले का मेंबरशिप कार्ड मिलेगा, एक सरप्राइज गिफ्ट वाउचर फ्रॉम बुक माई शो, Gaana.com का फ्री सब्सक्रिप्शन 3 मंथ का, एंड भाई एंड में एक यूजर गाइड भी देखने के लिए मिलेगा। स्क्रीन काफी बिग है बट स्टिल यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो है बेजल जरूर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि देख सकते हो नीचे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा बेजल है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम बेजल दिया गया है। ऑल्सो जो UI है वो भी काफी स्मूथली काम करता है, मेरे को बिल्कुल भी जिटरनेस या फिर लैग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी सॉलिड यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा, हालांकि प्लास्टिक है। पीछे की तरफ आपको सेंसर मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है एंड 22mm का रिमूवेबल स्ट्रैप है एंड काफी अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर स्ट्रैप प्रोवाइड किया गया है। एंड स्ट्रैप को आप ऐसे ओपन कर सकते हो इजीली, अगर आपको रिप्लेस करने का मन हो तो ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलेगा, दो छोटे छोटे यहाँ पर होल दिया गया है मोस्टली फॉर माइक्रोफोन आई थिंक, एंड यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इस वाले बटन को प्रेस कर सकते हो बट ये फंक्शनल क्राउन नहीं है, इसको प्रेस करके आप स्क्रीन को टर्न ऑफ कर सकते हो, टर्न ऑन कर सकते हो। सो इस वाले वॉच को मैंने कनेक्ट कर लिया है दाफिट एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा दाफिट। कनेक्शन बहुत ही ईजी है, यहाँ पर आपको घड़ी का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आपको टैप एंड पेयर कर लेना है FB104 इस वाले घड़ी का मॉडल नंबर है। एंड यहाँ से आप बहुत सारे चीजों को एक्सेस कर सकते हो, एंड यहाँ से वॉच फेस वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हो, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द वॉच। सो भाई इस वाले वॉच में आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन आएगा। एंड यहाँ पर देखोगे कुछ सारे शॉर्टकट्स दिया गया है, जो भी लास्ट मेनू आप एक्सेस किए थे वो सारे शॉर्टकट के तौर पर यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको वेदर भी देखने के लिए मिलेगा एंड ऊपर उसके टाइम दिया गया है, एंड मेन मेनू में जाने के लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मेनू अगर देखो तो काफी सारे भर भर के यहाँ पर मेनू दिया गया है, एंड ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से अभी आप कुछ सारे चीजों को एक्सेस कर सकते हो, लाइक DND यहाँ पर टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है इस वाले स्मार्ट वॉच का, सो यहाँ से आप ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो, यहाँ से रिमोटली फोटो कैप्चर कर सकते हो, एंड यहाँ से फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप सेटिंग्स में भी जा सकते हो। सेटिंग्स में भी आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे मेन मेन कुछ सेटिंग्स के बारे में बताया तो यहाँ से आप फोन को ऑफ कर सकते हो, यानी ब्लूटूथ कॉलिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप बंद कर सकते हो उसे, फोन कॉल को रिसेट कर सकते हो। एंड और एक चीज मेरे को अच्छा लगा, अगर आपको इनकमिंग कॉल के टाइम रिंग नहीं चाहिए तो सिंपल आप इसको वाइब्रेशन में डाल सकते हो, एंड अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो सिंपल आप रिंग में डाल सकते हो, एंड दोनों ही चाहिए तो भाई रिंग एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है यहाँ पर। बाकी सर यहाँ पर सारे नॉर्मल सेटिंग्स है, स्टेप वगैरह काफी अच्छे कैलकुलेट कर लेता है, आप देख सकते हो 3288 एक्यूरेट तो नहीं बोलूंगा बट 90% एक्यूरेसी आपको
यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलेगा। डिस्टेंस भी सही दिखा रहा है एंड यहाँ से आप कितने कैलोरीज बर्न किए हो ये भी देख सकते हो। इस वाले स्मार्ट वॉच से आप स्लीप डेटा ट्रैक कर सकते हो, हार्ट रेट SpO2 भी मेजर कर सकते हो एंड ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। हार्ट रेट SpO2 मेजर करने के लिए आज हमारे पास एक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीमीटर जो काफी एक्यूरेट रिजल्ट देता है एंड इस वाले घड़ी के डेटा के साथ इस वाले ऑक्सीमीटर का डेटा का कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे कितना एक्यूरेट देता है ये डेटा। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद हार्ट रेट। सो यहाँ पर आप हार्ट रेट का डेटा देख सकते हो, यहाँ पर अभी 95-96 BPM हो रहा है मेरे स्मार्ट वॉच में एंड यहाँ पर देख सकते हो 103 BPM क्लोज डेटा है काफी, 98 BPM अभी इधर दिखा रहा है एंड यहाँ पर 103 बट एक्यूरेट नहीं है, काफी क्लोज डेटा आपको हार्ट रेट में देखने के लिए मिल जाएगा। ओके सो लेट्स चेक SpO2। SpO2 का डेटा देख सकते हो यहाँ पर 97% हो रहा है मेरे स्मार्ट वॉच में एंड मेरे वॉच में है 98% लेफ्ट साइड वाला डेटा है एंड अभी 99% हो रहा है, ये भी काफी क्लोज डेटा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज हमने नोटिस किया, यहाँ पर हार्ट रेट मेजर करते टाइम आपको ग्रीन कलर का LED इंडिकेशन देखने के लिए मिलेगा एंड अगर आप SpO2 भी मेजर करोगे तो भी यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की LED देखने के लिए मिलेगा एंड दोनों के लिए सेम LED यूज किया गया है। एंड बात करें तो किसी भी सरफेस में मेजर करने के, तो ये किसी भी सरफेस में मेजर नहीं करता है, यहाँ पर स्क्रीन डिटेक्शन जैसे फीचर्स लगाया गया है, यहाँ पर आपको एरर मैसेज देखने के लिए मिलेगा, हाथ में पहनने के लिए बोल रहा है। एनीवे स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हो आप यहाँ से बट इस वाले घड़ी को पहन के आपको सोना पड़ेगा। इसके अलावा ढेर सारे यहाँ पर एक्सरसाइज मोड दिया गया है, काफी सारे वर्कआउट मोड है, यहाँ प्लस बटन से आप वर्कआउट मोड यहाँ पर ऐड कर सकते हो एंड आप किसी भी वर्कआउट कर रहे हो तो यहाँ से जाकर आप वर्कआउट डेटा ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको वेदर देखने के लिए मिलेगा, आपके करंट लोकेशन का वेदर आप यहाँ से देख सकते हो एंड नेक्स्ट 5 डेज का भी वेदर देख सकते हो, यहाँ से मैसेज वगैरह यहाँ पर आएगा। इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट दिया गया है, यहाँ से टैप करके आप वॉइस असिस्टेंट ऑन कर सकते हो अपने फोन का, यहाँ से वॉइस शटर क्लिक कर सकते हो रिमोटली। इसके लिए आपको दाफिट ऐप में ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर फोटो कैप्चर कर सकते हो टाइमर के साथ। इसके अलावा टाइमर वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज आप यहाँ से कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो, म्यूजिक प्लेयर का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई भी एक म्यूजिक ऐप ओपन कर लेना है जस्ट लाइक यूट्यूब एंड भाई साउंड वॉच में प्ले होता है, यहाँ से आप वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो अभी जो साउंड आ रहा है वॉच के स्पीकर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आप देख सकते हो एंड इसे आप प्ले पॉज कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा आप नेक्स्ट ट्रैक में जंप कर सकते हो एंड ऑल्सो प्रीवियस ट्रैक में भी आप यहाँ से जंप कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से म्यूजिक को भी बंद कर सकते हो, इसके लिए आपको ब्लूटूथ सेक्शन में जाके ये मीडिया ऑडियो वाला ऑप्शन को टर्न ऑफ कर देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी म्यूजिक प्ले होगा आपका फोन से प्ले होगा बट स्टिल आप इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो एंड उसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने फोन का। ओके एनीवे इसके अलावा आपको स्टॉप वॉच फ्लैश लाइट फाइंड फोन का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से आपके फोन को फाइंड कर सकते हो एंड भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है गेम्स, भाई गेम्स मिलता है भाई यहाँ पर, 3-3 गेम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बट माई फेवरेट इज यंग बर्ड, टच काफी रेस्पॉन्सिव है, आप यहाँ से इजिली गेम प्ले कर सकते हो एंड आदर्स में भाई सेटिंग्स है, यहाँ पर सेटिंग्स मैंने आपको पहले ही दिखाया, ढेर सारे ऑप्शन है यहाँ पर, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो, कुछ सारे वॉच फेसेस यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा बाकी बहुत सारे वॉच फेसेस आपको ऐप में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ढेर सारे क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो एंड यही नहीं, यहाँ पर कस्टमाइज वॉच फेसेस का भी ऑप्शन है, यहाँ पर एक एडिट बटन दिखेगा, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आपको लास्ट में चूज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप गैलरी से कोई भी इमेज चूज करके यहाँ पर डाल सकते हो एंड उसे एज ए वॉच फेस सेट कर सकते हो। सो एक कॉल वाले ऑप्शन से आप ब्लूटूथ कॉलिंग को एक्सेस कर सकते हो, पहले रिसेंट कॉल जिसे भी आपने रिसेंटली कॉल किए हो वो सारे कॉन्टेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा डायल पैड है, यहाँ से आप किसी को भी डायल कर सकते हो एंड अभी जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है ये मेरा डायरेक्ट स्मार्ट वॉच से आ रहा है एंड देख सकते हो साउंड कुछ इस तरीके का है एंड यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो एंड यहाँ से म्यूट कर सकते हो एंड ये कॉल को आप फोन में भी यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन से कितने भी आप फेवरेट कॉन्टैक्ट ऐप के मदद से सेव करके रखोगे वो सारे कॉन्टैक्ट को यहाँ से आप डायल कर सकते हो, मैक्सिमम 10 कॉन्टैक्ट यहाँ पर सेव कर सकते हो आप एंड डायरेक्ट यहाँ से डायल कर सकते हो एंड कॉल आने पर कुछ इस तरीके का साउंड आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत एनोइंग सा साउंड है एंड बहुत लाउड साउंड है। यहाँ पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से डिसकनेक्ट कर सकते हो बट यहाँ पर साइलेंट नहीं कर सकते हो आप कॉल को,
तो अभी मैं आपको कॉलिंग के टाइम माइक्रोफोन का क्वालिटी सुनाए तो अभी देख सकते हो मैं बाहर नॉइजी एनवायरनमेंट पे हूँ एंड जो भी साउंड अभी आपको आ रहा है ये डायरेक्ट मेरे स्मार्ट वॉच से आ रहा है। एंड देख सकते हो अगर मैं इतना पास आके बात करूँ तो कैसे साउंड देने वाला है एंड इतना दूर रख के मैं बात करूँ तो कैसा साउंड देने वाला है। तरीके का साउंड क्वालिटी सुनने के लिए मिलेगा जो भी आपके कॉल में ऑपोजिट साइड रहेगा। एनीवे द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस वॉच इज बैटरी बैकअप भाई, 1 से 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन से ज्यादा ये टिकने वाला है नहीं। मैंने ज्यादा तो यूज नहीं किया बट जितना मैंने यूज किया उससे मेरे को लगा कि ये 1 से 2 दिन ही टिकेगा। अगर ब्लूटूथ कॉलिंग आप यूज कर रहे हो पूरा दिन तो 1 दिन में ये खत्म हो जाने वाला है। इसके अलावा मेरे को लुक्स काफी अच्छा लगा, बिल्ड क्वालिटी भी सही है एंड एक्यूरेसी भी ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल एक एवरेज स्मार्ट वॉच इन दिस बजट प्राइस रेंज। अगर आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो, अगर 2000 रुपए के हिसाब से प्राइस कंसीडर करें तो अच्छा ही वॉच आपको मिल रहा है विद अ बिग स्क्रीन। अदरवाइज 2000 से अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो ये वाला वॉच आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा, आप कोई दूसरा वॉच ट्राई कर सकते हो। एनीवे दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट रहे, सवाल रहे, सजेशन रहे, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।